अतीक अहमद की पत्नी का एक बेहद खूंखार वीडियो सामने आ रहा है। इसे देखकर पूरा भारत हैरान है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आप भी पूरे घटनाक्रम को देखकर बुरी तरह चौंक जाएंगे। आइए पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अतीक अहमद की एनकाउंटर करने का पूरा प्लान बना चुकी है। इस बात का दावा हम नहीं बल्कि भाजपा के बड़े बड़े नेता और मंत्री लगातार खुलेआम कैमरे पर कर रहे हैं। गुजरात से उत्तर प्रदेश लाते वक्त अतीक अहमद की गाड़ी पलट सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद के पूरे परिवार को अपने कब्जे में अवैध तरीके से छुपा रखा है। माना जा रहा है कि इनमें से अतीक के दो बेटों का एनकाउंटर जल्द किया जाएगा। अतीक का एनकाउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश के सबसे खूंखार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आनंद देव तिवारी को एसटीएफ में शामिल कर लिया गया है। इसी पुलिस अधिकारी ने विकास दुबे की गाड़ी पलटकर सड़क पर ही इंसाफ कर दिया था। लेकिन इसी बीच एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जिसे जानकर अतीक अहमद का परिवार चैन से नहीं सो पाएगा। उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले अतीक अहमद की पत्नी का गोली चलाने वालों के साथ सीसीटीवी फुटेज वायरल। क्या अतीक की पत्नी थी इस हत्याकांड की रियल मास्टरमाइंड? उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज यूपी पुलिस के हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के साथ नजर आई है। इसी शूटर ने उमेश पाल पर गोली चलाई थी। उमेश पाल हत्याकांड से कुछ दिन पहले अतीक के एक शूटर के घर जाते वक्त शाइस्ता परवीन का हुलिया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जाने लगा। माना जा रहा है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद अब अतीक अहमद की पत्नी को भी जेल का हवा खाना पड़ सकता है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर अतीक गैंग से जुड़े आरोपियों की पहचान करके धरपकड़ में लगी है। वायरल वीडियो उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का बताया जा रहा है। मतलब अतीक अहमद की पत्नी खुले तौर पर हत्या को अंजाम देने वालों के साथ घुल मिल रही थी। कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन शूटर साबिर समेत अन्य लोगों के साथ अतीक गैंग से जुड़े बल्ली और सुधांशु के घर नीवा नामक स्थान पर जा रही थी। 19 फरवरी की रात करीब 8:45 बजे वो नीवा पहुंची थी। इस दौरान रास्ते में एक जगह लगे कैमरे में उन सभी का हुलिया कैद हो गया। बल्ली अतीक के लिए काम करता है, वो प्रॉपर्टी संभालता रहा है। बल्ली के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस वीडियो का महत्व इसीलिए बढ़ गया है क्योंकि शाइस्ता के साथ नजर आने वाले साबिर ने उमेश पाल और सिपाहियों को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी थी। उस पर 2.5 लाख का इनाम है। बीते गुरुवार को ही साबिर के भाई जाकिर का शव कौशंबी में मिला था। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता भी नामजद है, वो फरार है। सीसीटीवी फुटेज में शाइस्ता के अलावा अतीक के कई करीबी भी दिखे हैं। अब इन सभी लोगों की तलाश उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। पुलिस पड़ताल में पता चला कि फुटेज में मेन शूटर साबिर बली पंडित असद भी दिखाई दे रहा है। इन अपराधियों को एसटीएफ, एसओजी और पुलिस की टीम भी लगातार तलाश रही है। शाइस्ता को सताया था बेटों के एनकाउंटर का डर, हाईकोर्ट का खटखटाया था दरवाजा। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस द्वारा बेटों के एनकाउंटर का डर सताया था। एनकाउंटर के डर से शाइस्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाओं में भी इन सभी को कोर्ट ने पेश किए जाने की मांग की है। याचिकाओं में कहा गया है कि अतीक के नाबालिग बेटों मोहम्मद एहजम व मोहम्मद आबान, अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा, अतीक की बहन आयशा नूरी एवं भांजी को पुलिस गत 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद उठा ले गई है और कोई जानकारी नहीं दे रही है। माना जा रहा है कि इनमें से एक दो लोगों का एनकाउंटर भी चुपचाप कर दिया जा चुका है। पुलिस इन्हें 5 दिन से अवैध हिरासत में रखे हैं और इनके बारे में कुछ बता नहीं रही है, जिसके बाद संदेह के गहरे बादल चारों तरफ छा रहे हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उमेश पाल हत्याकांड, मंत्री ने परिजनों के पोंछे आंसू, बोले यहाँ योगी सरकार है, हत्यारों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। प्रयागराज के सुलेम सराय स्थित घर पर मंगलवार को ढाढ़स बंधाने के लिए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एसपी सिंह जैसे ही पहुंचे, उमेश पाल के पुत्र आदित्य और पुत्री काव्या लिपटकर रोने लगे। मां शांति और पत्नी जया पाल बिलखते हुए उनसे इंसाफ मांगने लगी। मंत्री ने परिजनों को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि उमेश की हत्या में शामिल बदमाश पाताल में भी छिपे होंगे, सरकार उन्हें ढूंढकर निकालेगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ऐसे में उन्हें डरने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री एसपी सिंह मंगलवार को करीब 2:45 बजे उमेश पाल के घर पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। मां शांति पाल मंत्री से लिपट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि झोले में बम लेकर अतीक अहमद के शूटर आए थे, उमेश को घेर कर गोली मारी और बम चलाने लगे, बचने का कोई मौका ही नहीं दिया। शांति का कहना था कि उनके बेटे उमेश की हत्या में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शांति ने मंत्री के सामने अपने परिवार की जान को खतरे का अंदेशा भी जताया और सुरक्षा की गुहार भी लगाई। उन्होंने मंत्री से कहा कि एक बार सीएम योगी से उन्हें मिलवा दे ताकि वो अपनी बात कह सके। सीएम या तो उनके घर आ जाए या फिर उनके परिवार को 2 मिनट के लिए बुला ले। शांति का कहना था कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए अंतिम दम तक लड़ेगी। मंत्री ने कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, इस समय प्रदेश में योगी की सरकार है, अपराधियों को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उमेश की हत्या करने वाले बदमाश जमीन के भीतर भी होंगे तो सरकार उन्हें बाहर निकाल कर सजा जरूर दिलाएगी। मंत्री ने बताया कि वो इस घर में कम से कम 25 बार आ चुके हैं। उमेश के प्रति अपने आत्मीय संबंधों का भी वो हवाला देते रहे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार में मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल ने ही उमेश पाल को भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। इस विषय में आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यूपी में हो रही माफियाओं की सफाई, योगी सरकार कर रही मिट्टी में मिलाने का काम। माफियाओं के दिल में यूपी पुलिस को लेकर डर और खौफ। जिस यूपी में कभी था अतीक का खौफ, आज वही सदा रहा उसे मौत का डर। अतीक के बेटे से लेकर गुर्गों तक सभी पर हो रहा एक्शन, कभी एनकाउंटर तो कभी पलट रही माफियाओं की गाड़ी। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को साफ करने का काम दिवाली की सफाई की तरह पूरे जोर पर है। पिछली सरकारों ने जिन माफियाओं को पाल कर रखा था और प्रदेश की जनता का जीना दुभर कर रखा था, आज की योगी सरकार उन पिछली सरकारों के फैलाए गंध को साफ कर रही है। और इस बात को खुद सीएम योगी सदन में भी बिना किसी झिझक और डर के कह चुके हैं कि पिछली सरकारों इन माफियाओं की सरपरस्त है और योगी सरकार इन्हें मिट्टी में मिला देगी। योगी की जुबान से शब्द निकले ही थे कि यूपी पुलिस ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्यवाहियां हुई, कहीं एनकाउंटर हुआ तो कहीं बुलडोजर चला। योगी सरकार अतीक अहमद की पूरी कुंडली निकाल कर बैठी है और उससे जुड़े लोगों की कुंडली में ग्रहण भी लगा रही है। अतीक अहमद के तार जैसे ही उमेश पाल से जुड़ते दिखाई दिए तो योगी सरकार का एक्शन भी बिना देरी किए शुरू हो गया और एक बार फिर अतीक, उसके गुर्गों और उसके परिवार को बुलडोजर का सामना करना पड़ा।